चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम पे इल्जाम लगा, तूने 2 लाख रुपए दे गए, अपना ईमान बदल लिया, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो प्रधानमंत्री है उनके पास दाढ़ी है, रामदेव जी के पास दाढ़ी है, उनकी ना उनकी क्यों नहीं कटवाते? क्या वो उठाड़ी रखने मुसलमान नहीं बने होंगे? वो दलित को पूर्ण स्वतंत्रता है, संवैधानिक राइट है उसका, वो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा? तो आपके साथ ये मामला क्या हुआ है अभी? जो हमारा एक दुष्यंत तोमर है, दुष्यंत तोमर ने आकर हमारे घर पर करीब 400-500 आदमी लेकर हमारे घर पर चढ़ाई करी। चढ़ाई करने के बावजूद हम पे इल्जाम लगा, तूने 2 लाख रुपए दे गए, अपना ईमान बदल लिया, ऐसा कुछ नहीं है जी। मतलब किस तरीके से आपने धर्म या किसी मौलवी के जरिए आपने धर्म अपनाया? खुद नहीं, नहीं बोल दिया है? नहीं, हमने किसी दाद भोंसले किसी इस्लाम कबूल नहीं करा। हमने तो उनके साथ साथ हमने तो नमाज पढ़ते थे। ऐसा हम पर कुछ नहीं आता, उन्हें देख के हम नमाज पढ़ते थे। ऐसा कुछ हमारा समय अच्छा कट जाता था। हमें जेल में उनके सहारे, नमाज पढ़ने के सहारे हमें कपड़े मिल जाते थे। कपड़े हम 10 रुपए जोड़ी लेते थे। हम पर रोज के 80-85 रुपए कपड़े धो लेते थे जी। हम 42 महीने में हमने पैसा जोड़ा, 42 महीने पैसा जोड़ने के बावजूद हमने 40 साल में अपनी बेल करवाई। तो ये जो ऐतराज हुआ है, किन लोगों के द्वारा ऐतराज किया गया है सबसे ज्यादा? कुछ लोग ठाकुर थे। अच्छा, ठाकुर लोग थे और कुछ लोग जाटो बिरादर के लोग थे। उन्होंने ठाकुरों को बुलाया, बुलाने के बावजूद उन्होंने हमारे साथ अत्याचार करा। हमारे घर में ईंट पत्थर फेंक के, हमारे घर पर ना जबरदस्ती हमें खींच के लेके मारने की धमकी दी कि हाँ दाढ़ी रखे हम तो जान से मार देंगे, टोपी रखा से अतिरिक्त सिल कलम कर देंगे हम। उसके बावजूद हमें चौकी में ले जाकर हमारी दाढ़ी कटवा दीजिए। हम गरीब लोग हैं, इसलिए हमको धमकी दी जाती है। दाढ़ी का ऑपरेशन ठा रहे हैं मंत्री साहब, जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास दाढ़ी है, रामदेव जी के पास दाढ़ी है, उनकी ना उनकी क्यों नहीं कटवाते? क्या वो दाढ़ी रखने मुसलमान नहीं बने होंगे? वो है जो हम एक छोटी कास्ट के आदमी दाढ़ी रखे थे मुसलमान बन गए? नहीं, एक बात बतलाओ आप, अब जब वोटिंग का टाइम आता, जब हमें अपना भाई बनाया जाता, अन्य इतिहास गवाह है, नेट खोल कर देख लो, जितनी तस्वीर टूटी है अंबेडकर की टूटी है भाई। इलेक्शनों के टाइम पर हम इनके भाई हो जाते हैं, वोट मांगने टाइम पर हम इनके भाई हो जाते हैं। वैसे हम पूरे चमार हैं, हमें क्या मिला? जब जब आदमी दरिया में डुब लगाए तो क्या नहीं करता जी, वो हाथ पैर तो पीटता है। तो इस तक कुछ लोग ना कहें कभी दाढ़ी कटवा तो यहाँ ऐसा नहीं रहेगा, तो औरों को उकसाता भाई, हमें तो कभी आज तक इसने ये नहीं कहा तू भी मुल्ला बन जा या मुसलमान बन जा। खुद इससे को बन रहा है या नहीं बन रहा है, हमें इससे क्या मतलब? ये औरों को तो नहीं कह रहा कुछ, हमें तो नहीं कहा, किसी और को कहा हो तो कुछ कहा हो, हमें तो हमसे तो कुछ ऐसी बात कभी कही ना। और जब ऐतराज हमें क्या है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, जब हमें कोई परेशानी नहीं दे रहे तो हमें ऐतराज क्या है? हमें कोई ऐतराज नहीं है, बेचारे ठीक है, बोलने बताना सबसे राजी खुशी होती है, सब चीज़ बोलते हैं।
उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है वो धर्मांतरण के मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ा जाए। ताराचंद जी ने साफ साफ कहा है कि कोई मैंने हिंदू मुस्लिम धर्मांतरण नहीं किया है, कहीं नाम चेंज नहीं है, किसी से सदस्यता नहीं ली है। लेकिन वहाँ पर जाके पैनिक जो फैला रहे हैं लोगों को उनसे डर है कि ये जातीय हिंसा ना करवा दें, है ना, धार्मिक हिंसा ना में बदल दें। बीजेपी इस मूड में बैठी है और आरएसएस इस मूड में बैठी है कि इस तरीके के मुद्दे कुछ बने और लोगों में आपसी मतभेद के आधे दंगा हो, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हों, ताकि हम जो है रातों रात हिंदू मुस्लिम की कन्वर्जन पर डिबेट छेड़कर और सरकार में वापसी मार सकें। भाई दलित को, दलित तो हर जगह है, दलित कहाँ नहीं है, वो सिख भी है, ईसाई भी है, वो क्रिश्चियन भी है, तो आप कहाँ तक रोक पाओगे उसे? वो रविदास को भी मानता है, वो कबीर को भी मानता है, वो बुद्ध को भी मानता है। भैया दलितों के मुद्दे पर आप नहीं बोल सकते, दलित को पूर्ण स्वतंत्रता है, संवैधानिक राइट है उसका, वो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसा रहेगा, उसको संवैधानिक राइट है ये। तुम जैसे लोग आएंगे जाएंगे, अब तुम्हारा आने का नंबर है, चुनाव आ रहा है, जनता सब समझती है कि इन मुद्दों को क्यों भड़काया जा रहा है ना, इन मुद्दों का जब लोगों की जाति जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, लोगों को चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार,